हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आर्यन आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओमी पेंटा डीएसआर कैप्सूल के बारे में। आज हम जानेंगे इस कैप्सूल के बेनिफिट्स, यूज, डोज एवं साइड इफेक्ट के बारे में। उससे पहले दोस्तों, दवाइयों के बारे में जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में घंटी वाले भी बटन को दबा दें, जिससे आपको लगातार नई नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ओमी पेंटा जिसे एल्केम कंपनी बनाती है, जिसकी 10 टेबलेट की प्राइस 160 रुपये होता है, जिसे आप किसी भी मेडिकल स्टोर में खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस टेबलेट के कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इस टेबलेट के अंदर पेंटाप्राजोल 40 mg तथा डोमपेरिडोन 30 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। दोस्तों, जिसमें पेंटाप्राजोल एक PPI क्लास की मेडिसिन है तथा डोमपेरिडोन एंटीओमेटिंग है, जो कि इस टेबलेट का उपयोग पेट में बहुत अधिक मात्रा में गैस बनती है उसको कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लेते हैं। उसके अलावा दोस्तों, हार्ट अपन यानी सीने में जलन को भी ये टेबलेट शांत करता है। उसके अलावा दोस्तों, पेप्टिक अल्सर यानी पेट में छाले हो जाते हैं उस कंडीशन में भी आप इस टेबलेट को उपयोग में ले सकते हैं। उसके अलावा पेट भरा भरा से रहना, पेट फूला फूला से रहना, बहुत अधिक बॉडी में गैस बनना, इन सब कंडीशन में आप ओमी पेंटा DSR कैप्सूल को उपयोग में ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, खट्टी डकारे या गैस के कारण पेट दर्द हो रहा हो उस कंडीशन में भी आप इस कैप्सूल को उपयोग में ले सकते हैं। उसके अलावा गैस के कारण बैक पेन या गैस के कारण हाथ पैर दर्द दे रहा हो उस कंडीशन में भी आप ओमी पेंटा DSR कैप्सूल को उपयोग में ले सकते हैं। उसके अलावा गैस के कारण सिर दर्द उस कंडीशन में भी आप इस टेबलेट को उपयोग में ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों ओमी पेंटा DSR कैप्सूल के उपयोग के बारे में जानकारी। दोस्तों, अब जान लेते हैं इस टेबलेट के डोज के बारे में। तो दोस्तों, जो एडल्ट व्यक्ति है जिसका वेट 50 किलो तथा से अधिक तथा जिसका एज 21 साल से अधिक है, उसे इस टेबलेट का उपयोग दिन में 2 बार यानी सुबह खाली पेट तथा शाम को खाली पेट उपयोग में दिया जाता है। दोस्तों, इस टेबलेट के अन्य उसके बारे में बात करें तो गैस के कारण उल्टी उल्टी जैसा लगना उस कंडीशन में भी आप ओमी पेंटा DSR कैप्सूल को भी दे सकते हैं। दोस्तों, प्रिकॉशन यानी सावधानी के बारे में बात करें तो जो किडनी, लीवर, हार्ट, डायबिटिक, प्रेग्नेंट तथा ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं हैं तथा बच्चे हैं, उसे इस टेबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि उपयोग कर रहे हो तो डॉक्टर की निगरानी में ही उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, लास्ट में साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो ऐसे इस टेबलेट कुछ खास साइड इफेक्ट नहीं, फिर भी इस टेबलेट को लेने से यदि आपको उल्टी, मतली, हेडेक, सिर दर्द, खुजली, लाल चकत्ते ऐसा कुछ साइड इफेक्ट दिख रहा हो तो इस टेबलेट को आप उपयोग करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये था दोस्तों ओमी पेंटा DSR कैप्सूल के बारे में कंप्लीट जानकारी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको लगातार नई नई वीडियो मिलती रहे। सो धन्यवाद दोस्तों।